तो देखें, मैं आज इधर पहुंची हूँ इस फैमिली के पास। तो आप देख सकते हैं, कुछ तो दिन कुछ दिन पहले हमने पहले इनकी वीडियो पहले भी बनाई थी। जी। तो तो अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे क्या हाल है? ये क्या हुआ है आपके साथ? बाजी सारा कमरा ढाह एक पे। कमरा साढ़े की छत ढाह पई है। बारिश की मौसम है बाजी, जी हाँ ते रोज दिया बारिश आनिया खड़ियन, ते हाँ असा मुथाज बंदे हैं जी जी के मेरे घर वाली जो अखी बनिया हैं, मेरिया भी अखी बनिया हैं। जी जी ठीक है, जी जी साडा खुदा दे नजदीक कोई बंदा कहे नहीं, वसीला कोई कहे नहीं। जी सकू कोठा ही बनवा दो, सकू मोटर तंग है, सा पानी करू, सकू मोटर भी लवा दो, निके निके साडे बाल हैं। ठीक है, के साडा कोई वसीला कहे नहीं, खुदा दे नजदीक साडी मड्डी भी बहर पई तो है। ये देखिए कपड़े वगैरह सब कुछ इधर। मेहरबानी करो तो असा तो अगो हथ बदले, सगो कमरा ही बनवा दो। बारिश की मौसम है, असम हमसाया दे घर मट्टी रखी खड़े हैं, हमसाया दे घर असा बांधे खड़े हैं, उठी दे खड़े हैं, अखी सटिया बने हुए, मेरे घर वाली जा अखी बने हुए, असा मुथाज बंदे हैं। मेहरबानी कर दे, असा हथ बदले हैं, कहीं ना बच्चा के तरफो इन्हों निक्या निक्या बाजा के तरफों बिना निके बालों के तरफों असा हथ जुड़े ने। मेहरबानी हो सी थोड़ी, सबको मोटर ही लवा दो, असा पानी करो तंग है, कमरे करो असा तंग है। देखो साडा यो छत दा हाल है, बारिश है, सब बहुत ज्यादा आई है ना, बहुत तंग है, असा लोगों के घर सब देख रहे हैं। तो ये देखे बिल्कुल टूट गया, ऊपर छत नहीं है इनकी, तो सब मौके से आए खड़े मेरे दे खड़े ये हालात है साडी सनी, ए साडे छत दी हालात है, काने हैं साडे। उस दिन मैं आई थी ना, उस दिन ये छत थी कुछ इनकी, तो गिरने वाली थी, मुझे पता था इस छत सारी छत सारे छत बिठी पई है साडी। मेहरबानी हो सी तो साडे उते तरस करे सो, असा तुहाडे हक च दुआ मंगसो, इंशाअल्लाह तुहाडे बच्चां दी भी दुआ मंगसो, तुहाडे खानदान दी किते भी दुआ मंगसो, के मेहरबानी हो सी के तुसा सा को कोठा पवा दियो, बड़वा दियो, सको पानी कनु तंग है, ते मोटर भी सकू लवा दो, के मेहरबानी हो सी असा तुहाडे बच्चों की दुआई मंगसू। ए निके निके साडे बच्चे ने सा के जा वणियो समाओ, लोकां दे घर असा मड्डी रखी खड़े हैं, लोकां दे घर असा बांधे खड़दे खड़े हैं, साडे जो रोज जो बारिश है, बारिश आंदी पई है, रोज बारिश है, असा तंग है, डाढे तंग है, डाढे तंग है। चुप करें, सबर करें, इंशाल्लाह सबर करें। अबू जी मैं बात करती हूँ अपने विवाह से। ये देखें सब मेरे बहन भाई जो सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये फैमिली बनवा ही नहीं सकती कमरा, क्योंकि इनका कमरा बिल्कुल गिर चुका है। ये हकदार फैमिली है, आप देख सकते हैं। तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है इस फैमिली पर, तो इनका मसला रो रहे हैं। अबू जी आप, अबू जी सबर करें, अम्मा जी आप भी सबर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आपकी सपोर्ट करूंगी। ये कोई खुदा दे नजदीक सा कोई नहीं बना देने वाला, लोगों के घर समझे खड़े, लोगों के घर बांधे खड़े, निके निके साडे बाल सनी, असा लोकां दे घर समदे खड़े हैं, लोकां दे घर मट्टी रखी खड़े हैं, सड़े ए हालात छत थी सड़ा कोठा ढाए पे सनी। हां आज भी बादल आए हुए हैं, ये देखो ऊपर परेशान है डाढे बाजी, पानी कनु असा तंग है, सको मोटर भी लवा दो, सको कोठा भी पवा दो, असा तोडे हक दुआ मंगसू, तोडे हक बच्चा दी तू किते भी दुआ मंगसू, तोडे खानदान किते भी दुआ मंगसू, के असा हाथ बद दे आ दे खड़े हैं, के सको कमरा पवा दो, सको मोटर लवा दो, बड़ी मेहरबानी हो सी तोडी, असा दुआएं करे सू सारी उम्र तो कुछ दुआई करे सू। चलो करम करेगा अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। बल बल असा हाथ बदे देखे हैं, सको कमरा भी पवा दो, सको मोटर भी लवा दो, असा बहुत तंग है, साडे कोल बारिश दी मौसम है, रोज दी परेशानी खड़ी है, रोज दी परेशानी खड़ी है। मेहरबानी हो सी तुहाडी, असा तुहाडे बच्चों को दुआई करे सू, तुहाडे खानदान किते दुआई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करने वाला है। आप सबर करें, सबर का फल इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर देता है। ये ना सोचे कि आपका कमरा कभी नहीं बनेगा, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। मैं आपकी सपोर्ट करूंगी इंशाल्लाह। मैं अपने बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस पूरे माँ बाप के लिए, आपके कमरे के लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाए और इसका कमरा बनवाए, क्योंकि ये हकदार फैमिली है। ये कह रहे हैं अबू जी की हम हक जब पहुंचे ना, ये देखे इनके हालात। तो आजकल वैसे भी सिलावी बारिश आ रही है, तो सिलावी बारिश में इसने इनका ये हाल हुआ है। इनका ये हालात हुई है क्योंकि इनका ऊपर छत नहीं थी ना, कुछ हाँ। नहीं थी, कच्चा कमरा था, तो गिर गया है सारा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगी, आपकी सपोर्ट करूंगी। इस जगह पर और भी मैंने मोटर लगवाई है सिस्टर की तरफ से, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी वीडियो में जी। तो उधर जाके फिर आगे वीडियो बनाएंगे जी जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? बारिश तो बहुत ज्यादा आ रही है, अल्लाह पाक देना भेजा। जी, और बच्चे कैसे हैं आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और डोंकी पंप आपका लग गया है ना? जी जी। पानी कैसा आ रहा है?
शुक्र है ठीक आ रहा है। अच्छा तो ये बाहर से मेरी यूके से सिस्टर है और उसके लिए मैं दुआ करती हूँ कि जाना सदका जारिया है ये पानी। हाँ। क्योंकि पानी सदका जारिया है, जहाँ बार भी लगवा दें क्योंकि इनके घर पे फैमिली बहुत ज्यादा थी, 8 बच्चे थे इसके। हाँ। इनके घर तो हमने सोचा कि इनको बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, इनकी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमने मोटर लगवा दिया है तो ये माशाल्लाह पानी बहुत अच्छा हो रहा है, लाइट खड़ी हुई है तो जो है ना और सब ठीक है। जी जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक को दुआ देते हैं, उन्हें को दुआ देने जिन्हें लगवा देती है जी, अल्लाह से उन्हें को खुश रखे बाद रखे जी। तो अभी डोंकी का बटन दबाए जाओ खड़ अभी, तो माशाल्लाह से इस पर डोंकी का पानी देखें कितना पानी है, मोटर का पानी बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसको भी पानी वैसे भी ज्यादा है ऐसे ना। हाँ अब खुश हो, देखिए उसने बटन दबाया हुआ है और डोंकी 5 दिन का लग चुका है माशाल्लाह, मुझे भी खुशी हो रही है, मैं सिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह पाक उसके अब्बू को जन्नत में जगह दे। हाँ। तो हाजी रसब हुसैन मरहूम उनकी बेटी सहरा ने अपने वालिद मरहूम के लिए पानी लगवाया, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे जी। बिल्कुल तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।